1857 में लंदन के फिलोलॉजिकल सोसाइटी के मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि वो जो डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रही और वो इनकम्प्लीट है। तो उनके सोसाइटी के मेंबर्स ने ये सोचा कि एक ऐसी डिक्शनरी बनाते हैं जो सारे टाइप्स के वर्ड्स को कवर कर सके, एक रोड साइड स्लैंग से लेकर एक प्रोफेशनल लैंग्वेज तक। उनको ये डिक्शनरी उस टाइम के ऑफिशियल फ्रेंच डिक्शनरी से बेहतर बनानी थी जो उस टाइम की सबसे अच्छी डिक्शनरी मानी जाती थी, और ये इतना ही टफ था जितना आप सोच रहे हैं। उन्होंने टीम बना के काम की शुरुआत की। उस समय ना ही सेलफोन्स थे या कंप्यूटर थे, वो सारे वर्ड को न्यूज़पेपर, बुक्स या मैगजीन में पढ़ के समझता था कि वो कौन सी कंडीशन में यूज़ होएगा। जैसे ही सब ठीक चल रहा था तभी वर्ड्स के मीनिंग के सीक्वेंस में बड़ी गड़बड़ हो गई और बहुत सारे मीनिंग्स मिक्स हो गए और ये डिक्शनरी बाकी डिक्शनरी की तरह ही इनकम्प्लीट रह गई। फिर 1879 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस ने ये डिक्शनरी को कम्प्लीट करने के लिए एक प्रोफेसर को हायर किया। उसका नाम था डॉक्टर जेम्स मुरे। मुरे को पता था कि वो ये काम अकेला नहीं कर सकता, तो उसने रिक्वेस्ट पब्लिश की कि उसे थोड़े लोकल वॉलंटियर्स चाहिए जो वर्ड्स के बेस्ट मीनिंग्स ढूंढ के लाकर। रिक्वेस्ट पब्लिश के बाद वॉलंटियर्स वर्ड्स के बेस्ट मीनिंग ढूंढ के भेजने लगे। उसमें से ये कंट्रीब्यूटर था जिसका नाम डॉक्टर विलियम चेस्टर माइनर था। वो एक दिन के 20 कोटेशंस डिक्शनरी एडिटर को भेजता था और एडिटर्स उसके वर्ड्स को हर बार कंसिडर करते थे। कम टाइम में ही डॉक्टर विलियम उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर बन गए थे और जेम्स मुर्रे उनके काम से बहुत खुश थे कि उन्होंने डॉक्टर विलियम के साथ एक मीटिंग रखी। उन्हें लगा कि डॉक्टर विलियम मेडिकल प्रैक्टिस करते होंगे या कोई रिटायर मेडिकल या सर्जन जिसको कोई काम नहीं। जब जेम्स मुर्रे डॉक्टर विलियम से मिले लोकेशन पर पहुंचे तो वो शॉक हो गए ये सुन के कि डॉक्टर विलियम एक मेंटल असाइलम के क्रिमिनली इंसेन पेशेंट थे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के टॉप कंट्रीब्यूटर और कोई नहीं, एक मर्डरर, डॉक्टर विलियम वाइनर, अमेरिका के रहने वाले जिसने येल कॉलेज से फिजिशियन की ट्रेनिंग ली थी और वो सर्जन कैप्टन की पोस्ट पे थे अमेरिकन सिविल वॉर में। उनका सोल्जर्स को पनिश करने का काम था जो लीगल ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते, और उनका यही काम उनके मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता था, और तब से वो अपने साथ एक हैंडगन हमेशा रखते थे। फरवरी 17, 1872 को एक अनोखी घटना घटी। डॉक्टर विलियम माइनर रात को नींद से उठे, उन्हें लगा कि उनके घर में चोर घुस आया है जो उनके घर से बाहर भाग रहा था। तो उन्होंने अपने पिलो के नीचे रखी गन ली, उसके पीछे भागे और सड़क पर उसे शूट कर दिया। चौंकाने वाली ये बात थी कि चोर सिर्फ उनके दिमाग में था। डॉक्टर विलियम माइनर ने एक लोकल सिविलियन को गोली मारी थी जिसका नाम जॉर्ज मेरिट था और वो बस अपने जॉब पे जा रहा था। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। डॉक्टर विलियम माइनर को अरेस्ट किया और कोर्ट ने उन्हें गिल्टी नहीं माना उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से, और उन्हें मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। ब्रॉडमोर असाइलम में 30 साल से ज़्यादा रहने के बाद उसे अमेरिका के एक असाइलम में भेजा और 10 साल के बाद उनकी मौत हो गई। इस स्टोरी पे एक पूरी किताब भी बनी जिसका नाम है द प्रोफेसर एंड द मैडमैन। प्रोफेसर जेम्स मुर्रे ने यह कभी नहीं सोचा कि डिक्शनरी वर्ड्स का सबसे बड़ा सोर्स एक मेंटल असाइलम से होगा। अगर उसने वॉलंटियर्स हायर नहीं किए होते तो उसे माइनर जैसा ब्रिलियंट आउटसाइडर कभी नहीं मिला। और तब माइनर ने 10,000 एंट्री से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था ये डिक्शनरी को। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। बाय।